नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आमफलों का राजा कहलाता है, जिसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। जी हां, आमों की विशेषता और इसकी किस्मों के बारे में बताने के लिए आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की तर्ज पर राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। इस आम महोत्सव में अलग अलग किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए रिपोर्ट में। लखनऊ में चल रहा आम महोत्सव, कई किस्मों के आमों की लगी प्रदर्शनी। काकोरी ब्रांड से विदेशों में होगी लखनवी आम की पहचान। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, उसी क्रम में यहाँ आम से संबंधित विभिन्न उत्पादन मिल रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के आम भी रखे हैं, आम की जो पेड़ होते हैं वो भी रखे गए हैं। आम फलों का राजा कहलाता है, ये देश विदेश में काफी लोकप्रिय फल है, जिसका नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, आमों की विशेषता और इसकी किस्मों के बारे में बताने के लिए आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की तर्ज पर राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं अगर बात की जाए तो ये अवध नर्सरी है, जो कि आपके मुज्जा मलिहाबाद से ही आए हुए हैं। अच्छा, आप अपना नाम बता दें। आफताब अहमद। आफताब, हमें ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से प्रजाति के आम हैं और आम से रिलेटेड संबंधित क्या चीज़ें हैं? सर, हमारे पास आम में से अरुणिका हो गया, अंबिका हो गया, अमरपाली हो गया, केसर हो गया, अल्फांसो हो गया, सनसेशन हो गया, ये गुलाब खास हो गया है। हमारे पास ये चीकू भी है और ये थाईलैंड आम है, बारहमासी, हर समय आम आता है, क्रीपर में आम चलता है, वो मिल जाएगा। और ये बाकी हींग है, दालचीनी है, अभी माल थोड़ा लाने दे, कल माल लाएंगे, और जो हर्बल प्लांट मिल जाएंगे आपको काफी। अच्छा, आप अभी थाईलैंड की आम की बात कर रहे थे, तो वो जो आम की प्रजाति है, क्या वो थाईलैंड से उसके जो उठली होती है उसको ला के आप लोग ईजाद किए हैं या फिर वहाँ से पेड़ आते हैं? यहाँ से पौधे में मंगवा लिए, थाईलैंड यहाँ लगा लिए, यहाँ उसको लगा के तैयार करके उसके बाद उसको कलम बना के अपने यहाँ रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो खैर, अपने वो साइड वो लंबा होता है, लंबे साइज का आम होता है और क्रीपर में चलता है। अच्छा, ये कौन सा आम का पेड़ है और इसमें पहले ही जो उसके मोजर होते हैं वो लगे हुए हैं? ये इसको ऑल टाइम आम बोलते हैं, ये हर समय आम आता है, ऑल टाइम यानी हर समय फूल, फल भी आएगा, फूल भी आएगा, इसमें आता रहेगा फल, बारह मास का फल। ये इसको गमले बोनसाई पर, इसको तो बोनसाई के पर्पज लोग पसंद करते हैं, ये बोनसाई आम को लगाना है। बोनसाई कितने दिन में तैयार हो जाता है? यह पा लगा, एक साल में तैयार हो जाता है पौधा, ये हमारा भी एक साल का पौधा है, फूल आने शुरू होने लगा। आम महोत्सव में अलग अलग किस्मों के आमों की प्रदर्शनी लगी है। इसके साथ ही महोत्सव में अलग अलग राज्यों के बड़ी संख्या में आम व्यापारी आए हैं। 4 जुलाई से शुरू हुआ ये महोत्सव 7 जुलाई तक चलेगा। आम महोत्सव के द्वारा सीधे किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। आम महोत्सव के माध्यम से आम के उत्पादन, निर्यात एवं गुणवत्ता में वृद्धि के सभी आयामों पर संबंधित विभाग अधिकारियों, वैज्ञानिक द्वारा आम उत्पादकों के साथ विचार विमर्श करते हुए उन्हें नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं आम महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आम का मेगा क्लस्टर बनाने की घोषणा की, जो कि अगले 5 सालों में पूरी होगी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में माल मलिहाबाद और काकोरी फलपट्टी का आम देश और विदेश में काकोरी आम के नाम से भेजा जाएगा। इसी नाम से लखनऊ में आम की ब्रांडिंग होगी। इस परियोजना के लिए केंद्र से 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। आम तौर पे आम से आप शेक पीते होंगे, तमाम टॉफियां बनाई जाती हैं, मगर इस प्रदर्शनी में एक अलग चीज दिखी है। मैम, हमें ये बताएं कि आम से वाइन कैसे बनाई जाती है? आम से वाइन वैसे ही बनाई जाती है जैसे अंगूर से वाइन बनती है। थोड़े प्रोटोकॉल अलग होते हैं क्योंकि आम और अंगूर में अंतर होता है। आम थोड़ा विस्कस होता है,
पिलपिला टाइप का रहता है और अंगूर का रस एकदम साफ सुथरा रहता है, तो बनाने में उसकी तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन बनाते उसको उसी तरीके से हैं फर्मेंट करके। आप ये देखें एकदम क्लियर लिक्विड है इसका और बहुत अच्छा हल्का सा रंग आता है उसमें, और हर प्रकार हर आम की वाइन अलग प्रकार की होती है। जैसे कि लंगड़ा की अलग टेस्ट आएगा, अलग कलर होगा, चौसा का अलग टेस्ट और कलर होगा, और ये जो वाइन है ये आम के गुणों से युक्त है। तो जो ल्यूपियोल और मंजीफेरिन हम कहते हैं ना आम में होता है जो बीमारियों से बचने में सहायता करता है, वो सब इस वाइन में भी है, तो ये एक तरीके की हम हेल्थ ड्रिंक भी कह सकते हैं इसको। अच्छा मैम, यहाँ मैंगो हर्बल टी भी रखा है, इसकी इसका क्या उपयोग है, इसको कैसे बनाया जाता है? मैंगो हर्बल टी ये हम लोगों ने आम के छिलके, आम का छिलका आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, पर ये जब हम आम प्रोसेस करते हैं तो छिलका और गुठली को फेंक देते हैं, हालांकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, हमसे उससे काफ़ी चीज़ें बनाई हैं और उसमें से ये एक मैंगो हर्बल टी है। इसको हमने छिलके और आम की पत्तियों से बनाया है मिला करके, और भी इसमें कुछ हर्ब्स मिलाई हैं, जैसे कि ये पीने में ये आम के गुण, क्योंकि मैं आम में मैंजीफेरिन और ल्यूपियोल होता है जो पत्तियों में भी होता है छिलके में भी होता है, और उससे हम ये उत्पाद बना रहे हैं। अच्छा मैम, हमें ये बताएं जो आपने ये वाइन बनाया है क्या इसको अबकारी के द्वारा इसे लाइसेंस मिलता है या फिर इसे डायरेक्ट बनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैंगो वाइन है दो हैं, एक रॉ मैंगो साइडर है, ये जो है ये रॉ मैंगो साइडर है, ये एक कच्चे आम का पना है अल्कोहलिक ये कह सकते हैं आप जी जी। तो ये कच्चे आम से बनता है और पीने में एकदम पने का टेस्ट देता है, लेकिन इसमें 4% अल्कोहल होता है, और ये जो है ये आम की वाइन है। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो एकदम अलग हैं, नए हैं, और इसका काफ़ी एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि मैंगो प्रोडक्शन में हम लीडिंग कंट्री हैं, तो ये प्रोडक्ट्स में भी हम लीडिंग हो सकते हैं। अभी हम मैंगो की प्रोसेसिंग बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत नेग्लिजिबल है, होती है हम कह रहे हैं पल्प के, लेकिन जो भी मैंगो होता है वो सिर्फ पल्प के लिए, मैंगो पल्प के लिए होता है या फिर मैंगो स्क्वैश या फिर अचार, ये सब चीज़ें होते हैं, मगर ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी की प्राइस वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी ये प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, तो ये प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, जैसे हमने ये आम के गुठली की सुपारी बनाई है, अब ये खाने में जो नॉर्मल सुपारी होती है उससे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, वो नॉर्मल सुपारी तो आपको नुकसान करती है, जबकि ये जो सुपारी है ये फ़ायदा करती है, इसका जो स्टार्च होता है वो पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है, पेट के रोगों में ये फ़ायदा करेगी जी, पाचन तंत्र के लिए ये फ़ायदा कर। आपको पता होगा कि आम की गुठली को खाया जाता है वैसे तो, उसके हम लोगों ने कई प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये हम लोगों ने एक आंवला प्राश बनाया है जिसमें हमने मैंजीफेरिन ऐड किया है आम से एक्सट्रैक्ट करके। मैंजीफेरिन वही मैंने बताया ना कि ये आम में होती है और कैंसर रोधी प्रॉपर्टीज होती है, तो हमने आंवला प्राश को मैंजीफेरिन से युक्त किया है। इसी प्रकार ये आम की गुठली का तेल है, आप देख सकते हैं ये आम की गुठली का तेल। मलियाबादी आम पूरी दुनिया में मशहूर है और आम महोत्सव में लगे अलग अलग किस्म के आम के स्टॉलों में मलियाबादी आमों की कई किस्में मौजूद है। तो उधर हमारी प्राइम टीवी की टीम भी आम महोत्सव में पहुंची और यहां पर लगे हुए किसानों से आम के पौधों और उसकी कौन सी विशेषता के बारे में बात की कि कौन सी किस्म का आम किस तरह का है, किस आम की डिमांडिंग आजकल सबसे ज्यादा है। तो हमारे साथ एक और किसान हैं जिनके द्वारा तमाम यहाँ आमों की प्रदर्शनी लगाई है, तमाम विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियाँ हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजवाला से लेकर और सिंधु से लेकर लहुठिया से लेकर विभिन्न प्रकार के आम लगाए गए हैं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर PL सरोज, प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ से आपके बीच में उपस्थित हूँ। जैसा आप सब देख रहे हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ने आम पर गहन शोध किया है और यहाँ पर 750 प्रजातियों का विश्व से ले आकर के इस संस्थान में उसका संकलन किया गया है। संकलन के बाद उनका आगे उपयोग कैसे किया जाए इस पर शोध किया जा रहा है। ये जो हम 750 प्रजातियों की बात करते हैं इसमें उत्तर भारत की प्रजातियाँ, दक्षिण भारत की प्रजातियाँ, पूर्वी और पश्चिम भारत की प्रजातियों से लेकर के विदेशों की प्रजातियाँ भी हमारे पास संकलित हैं। लेकिन हम किसानों को ये सलाह देते हैं कि जो प्रजातियाँ यहाँ के क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती हैं जैसे दशहरी है, चौसा है, आम्रपाली है, मल्लिका है, नीलम है, इन प्रजातियों का आदि का कमर्शियल रूप में खेती की जा रही है। लेकिन अभी इस संस्थान ने दो प्रजातियाँ जल्दी में ही निकाली हैं, एक का नाम है अंबिका, दूसरे का नाम है अरुणिका। और अंबिका और अरुणिका ऐसी प्रजातियाँ हैं जो किसान उनका रंग लाल रंग में थोड़ा सा होता है, अट्रैक्टिव होता है, उत्पादन अच्छा होता है, छोटी होती हैं, इसलिए किसान इसको भी अपना सकते हैं।
तो हमारे साथ प्रजातियों का एक पूरे श्रृंखला पर यहाँ पर उपस्थित है। इसके अलावा हमारे जो फ्यूचर शोध हम कर रहे हैं, करीब 250 संकर प्रजातियों हमने बनाया है, और उन प्रजातियों में हमारा जो फ्यूचर लक्ष्य है कि हमको दशहरी से कोई ऐसी दशहरी मिलनी चाहिए जिसका रंग लाल हो। दशहरी आमतौर पर हरे रंग में रहती है, पकने पर पीली हो जाती है, लेकिन लाल रंग की हो जाए तो उसका कीमत बढ़ जाएगी किसानों को, और जब उसको लाल रंग की हो जाती है तो उसमें विटामिन ए कंटेंट भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम कलर प्रजातियों पर भी कर रहे हैं। आम में कई सारे पोषक तत्व होते हैं, इसको खाने के कई नुकसान तो कई फायदे भी हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, मिनरल्स होते हैं। दरअसल आम में औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं जो कई सारे रोगों को भी दूर करते हैं। आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलोन कैंसर, ल्यूकेमिया और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव में फायदेमंद है। आम के शौकीन लोगों को कहीं भी आम दिख जाए तो वो उसे खाने का बहाना नहीं छोड़ते। आम का रसीला स्वाद और खुशबू लोगों को उसकी तरफ आकर्षित कर ही लेता है, और आम महोत्सव लगने से लोगों को आम के बारे में नई नई किस्मों की जानकारी होगी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पे आज लखनऊ के शिल्पग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के आम यहाँ रखे हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में हजारों किस्म के आम हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक किसान हैं जिनके बागीचे से ये सब आम निकला हुआ है, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। आप अपना सबसे पहले नाम बता दें। हाँ जी, गौरव शुक्ला। हमें ये बताएं कि यहाँ विभिन्न प्रकार के आम रखे हैं, कितनी प्रजातियों के आम रखे हुए हैं? अभी हम लोग ने यहाँ पे लगभग 200 वैरायटीज प्रदर्शित की हुई हैं। वैसे हम लोग के ऑर्चर्ड्स में 350 वैरायटीज हम लोग ग्रो करते हैं इस समय, एंड उसमें बहुत सारी इंटरनेशनल वैरायटीज हैं, बहुत सारी नेशनल वैरायटीज हैं जो हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, उस पर रिसर्च भी चल रही है। उनको भी हम लोगों ने अपने यहाँ काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है इस समय। अच्छा, जी आप दर्शकों को ये बताएं कि नई किस्मों के आमों को कैसे लाया जाता है, किस तरह से उसको तैयार किया जाता है? इसमें मेन रोल साइंटिस्ट का है, क्योंकि एक गलत धारणा है कि आम हमने आज प्रोड्यूस कर दिया, कोई आम ईजाद नहीं कर सकता नया। पुराना कोई मैंगो है, उसका अगर नामकरण नहीं हुआ तो हम उसका नाम रख सकते हैं। और बाकी हमारे साइंटिस्ट जो इस पर निरंतर काम कर रहे हैं, पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी वैरायटीज जो हम आज देखते हैं, मल्लिका, आम्रपाली, ये हमारे साइंटिस्ट ने, इंडियन साइंटिस्ट ने ही इनको प्रोड्यूस किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कमर्शियली मार्केट में इसको अवेलेबल कराने के लिए। बहुत सारी और वैरायटीज़ यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं वो इसी से रिलेटेड रहेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि कुछ आम जो अलग प्रजाति है उसके बारे में आप बताएँ। हाँ, इसमें बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रजातियाँ हैं, जैसे आप ये अरुणिमा वैरायटी देख रहे हैं, अंबिका वैरायटी, ये जो पर्पल मैंगोज आप फोटोज़ में देख रहे हैं ये अंबिका वैरायटी है, अभी इसका राइपनिंग थोड़ा सा लेट होता है। एंड टॉमी एटकिंस है, ये अमेरिकन वैरायटी है, मेक्सिकन है, अमेरिकन है, और लार्जेस्ट सेलिंग मैंगो है वर्ल्ड का ये। एंड ऑस्टीन है, बाकी कुछ हम लोग की ट्रेडिशनल वैरायटीज़ भी हैं, जैसे अरुणिका हो गई, हुसनारा हो गया। तो ये सब ऐसी वैरायटीज़ हैं जो मार्केट में आपको इजीली नहीं मिलती हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको। अगर बात की जाए तो ये एक लालिमा आम रखा है, ये बहुत ही अलग लग रहा है, सब्जियों के रंग जैसा है, इसका क्या मतलब खासियत है? ये भी एक मैंगो हम लोग के साइंटिस्ट ने ही रिसर्च किया है। एंड इस मैंगो का एक यूनिकनेस ये है कि अभी ये जब रेड जब पकने लगेगा, राइपनिंग पे आएगा, तो ये पर्पल कलर का हो जाता है। तो अक्सर आपने व्हाट्सएप पे पर्पल कलर के मैंगोज़ की फ़ोटो सर्कुलेट होते हुए देखी होंगी, तो वो बहुत सारे मैंगोज़ हम लोग के ऑर्चर्ड से भी यू नो फॉरवर्ड हुए हैं, एंड ये उन मैंगोज़ में से है बेसिकली। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ एक किसान थे जिनके पास विभिन्न प्रजातियों के आम हैं। साफ तौर पर अगर कहें तो आम जो होता है वो फलों का राजा होता है, और आज लखनऊ में इसकी प्रदर्शनी रखी गई है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो हमने आपको आम महोत्सव की तस्वीरें दिखाई जिसमें कई तरह के आम लगे हैं, ऐसे ऐसे आम जो कि आपने सिर्फ तस्वीरों में देखे होंगे, जिनको देख के लगता है कि ये तस्वीरें एडिटेड हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नए नए तरीके के आम उनको बनाया जा रहा है, नई नई कोशिश करी जा रही है कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइज के, अलग अलग रंगों के आम लाए जा सके, जिसमें कई तरीके के पोषण हो और उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी मुहिम के साथ उत्तर प्रदेश में ही आम महोत्सव लगाया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।